हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे? हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के दरगाटी, एक छोटे से गांव रैलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं कमरे से कर रही हूँ। और सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है और लगे हैं काम पर। सुबह 5 बजे उठ गए थे तो घर की सफाई की, बर्तन साफ किए और गौशाला का काम किया, दूध निकाला, गोबर साफ किया और लगे रहे घर पर। तो 10 भी बज गई है और अब मोनिका की तैयारी हो रही है अपनी नानी के घर जाने की। और मैं किचन गार्डन में जाती हूँ और वहाँ से मिर्च के पौधे निकालती हूँ। और पहले मैं आप लोगों को केदार घाटी का मौसम दिखाती हूँ। और केदार घाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना है, अच्छी धूप भी खिली है और बादल भी छाए हैं। तो आजकल तो ऐसे ही केदार घाटी का मौसम ऐसे ही है। और मंदाकिनी नदी भी बहुत ज़्यादा आ रखी है और जिया जी भी, दीदी भी पता नहीं कहाँ से आ रहे होंगे। और यहाँ खाली घास ही घास हो रहा है मंदाकिनी के ऊपर। और मंदाकिनी नदी भी यहाँ हमारे घर के ही नीचे है, मतलब गौशाला के नीचे है। और ऐसा है यहाँ, और ये घास है, इसको चोला बोलते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में। और यहाँ पर है मिर्च के पौधे तो बहुत सारे हो रखे हैं। और इसको ले जा रही मोनिका अपनी नानी के यहाँ, वो भी लगाते हैं वह मिर्च के पौधे। उनका यहाँ नहीं होता, वहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है तो वहाँ कम होते हैं मिर्च के पौधे, तो यहीं से देती हूँ। और किचन गार्डन से भी आ गई हूँ मैं। ये मिर्च के पौधे हैं और इस पर रखे हैं मेरे। और ये बीन्स है यहाँ पर, हमारे यहाँ प्लास बीन बोलते हैं। तो एक थैली पर मैंने ये रखे और इस एक थैला पर ये रखा। और मोनिका तो चली गई है नानी के घर। तो रोहित को तो 1 महीना हो गए, अब रोहित भी आने वाला है घर। और अभी तक मैंने घर का काम किया, सफाई की, बर्तन साफ किए और कपड़े धोए। और अब करती हूँ मैं दिन का लंच की तैयारी। अभी अच्छी वाली धूप खिली है और बादल भी छाए हैं, पर अच्छी वाली धूप खिली है 12 बजे का टाइम पे। और गांव की महिला तो लगी हैं गुड़ाई करने पर। और मंदाकिनी नदी भी अभी भी बहुत ज़्यादा आ रखी है। आषाढ़ के महीने तो, सावन के महीने तो, सूण के महीने तो बहुत ज़्यादा आएगी, इतनी अभी आ रखी है तो। और अच्छी वाली धूप खिली है किचन में भी आ गई हूँ मैं। और अब रखती हूँ मैं दाल चूल्हे में और खाना बनाती हूँ। अकेले हूँ, थोड़ा बनाती हूँ, इच्छा भी नहीं कर रही, बच्चे घर पर है नहीं और अच्छा भी नहीं लग रहा है। और दाल भी बॉयल हो गई है, अब चढ़ाती हूँ मैं चावल चूल्हे में। और दिन का लंच भी कर दिया है मैंने और आराम करती हूँ थोड़ा देर तक। और तब गाय भैंसों को बाहर निकालती हूँ, और जल्दी भी नहीं निकाल रही हैं, आजकल मच्छर खा रही हैं बहुत ज़्यादा। और धूप भी हो रही है, हमारे यहाँ जंगली मक्खी है वो थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत खाती हुए वो। और 5 बजे के बाद निकालते हैं गाय भैंस बाहर, तो थोड़ा देर तक आराम करती हूँ। और लंच करने के बाद मैं घास के लिए आई तो बहुत ज़ोर की बारिश लग रही है। और यहाँ नींबू के पेड़ के नीचे हूँ मैं और घास की स्वेटी ला रखी थी, कैसे निकालना है घास भी। और भयंकर बारिश लग रही है, ऐसी बारिश लग रही है, पूरी भीग गई हूँ मैं, कैसे निकालूँ मैं घास। गांव की महिला तो लगी हुई है खेतों में गुड़ाई करने पे, ऐसी बारिश में भी रेनकोट लगा रखे हैं और लगी है खेतों का काम करने पे। और पूरा केदार घाटी में ऐसा हो रखा है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है। और 5:30 हो रही है अभी टाइम। और घर भी पहुंच गई हूँ मैं और घास मैंने गौशाला रख दिया है। और मच्छर खा रहे हैं आजकल 4 बजे तक, तो 5:30 बजे निकाली मैंने गाय भैंस बाहर। और अभी बारिश लग रही है, अब पूरी भीग गई थी मैं वहीं खेतों में घास के लिए जा रखी थी, तो वहीं भीगी मैं। और कपड़े भी मैंने चेंज कर दिए हैं
और अब जाती हूँ गौशाला दूध निकालने। अब पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा रहता नहीं। सुबह में अच्छी वाली धूप खिली थी, तो अभी देखो बारिश लग रही है और तरसाली में तो देखो पूरा ऐसा अंधेरा अंधेरा हो रखा है चन्नी का धार, और बड़ा सा गाँव में भी पूरा दिखाई भी नहीं दे रहा है। गाँव पूरा जमीन से ऐसे लग हो रखा अंधेरा। और थोड़ा बारिश बंद हुई, मैंने घास भी निकाल के वहाँ पर रख दी है सोल्टी, और अब थोड़ा गुडाई करती हूँ। और ये है कोदा, मतलब मनवा है ये, और वहाँ से कर दी मैंने इसकी गुडाई और वहाँ पर तक, और थोड़ा और करूँगी और इसके बाद घर जाऊँगी। और 7 भी बज गई है और मैंने यहाँ से की गुडाई और वहाँ तक कर दी, और अब आधा खेत बची है और चलती हूँ घर। गौशाला से भी आ गई हूँ मैं। रात तो मेरे को खेती में पड़ गई थी और दूध निकाला था गाय भैंसों को चारा दिया, और घर पर पहुँच गई हूँ। और ये है गेहूँ का आटा और कोदा का आटा, मतलब मिक्स रोटी बनाती हूँ, रात की डिनर की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर दूध गर्म कर रखा है और यहाँ पर सब्जी बना दी मैंने, रोटी भी बना दी है मैंने, रात की डिनर की तैयारी कर रही है, और ये सब्जी बना रखी है, और यहाँ पर रोटी बना दी, खुद बना दी, लास्ट है ये। करते हैं रात का डिनर, और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक जय देव जय उत्तराखंड, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर।